This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे US एंड इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप पे. नाजिन, कल जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है सियोल में, ऑन द साइड ऑफ द डिक्लेयर मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी बात उनकी हुई, जो कि बहुत ही प्लेजेंट कहते हैं कि हुई है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज वेरी थैंकफुल फॉर द मेजर्स टेकन बाई पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम्स, वेयर बाई वी हैव स्विच्ड फ्रॉम a positive list towards a negative list of 1200 items and with a very clear cut commitment ke wo list bhi jo hai end of the year khatam ho jayegi. Prime Minister of India indicated ke wo visit karenge Pakistan aur for a very concrete and positive measure, yani ki wo jab ye cheez finalize hogi to usko shayad wo finalize karne ke liye aayenge. Sath hi sath hamare Prime Minister ki meeting US President se bhi hui और बहुत सारे इश्यूज जो एक लिम्बो में पड़े हुए थे वो क्लियर हुए हैं. प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने अपने जो कंसर्न्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं. उन्होंने कहा कि डायरेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन ले या पार्लियामेंट के ज़रिए ले, लेकिन ले तो उनकी जो नीड्स हैं उसको मद्देनज़र रखे. यूएस आपको पता है कि इतने इम्पॉर्टेंट इस वक्त दुनिया में है कि उससे कन्फ्रंटेशन लेना जो है सिर्फ एक पागल आदमी ही ले सकता है. ईरान ने अभी उससे कन्फ्रंटेशन ली हुई है और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसकी करेंसी इस वक्त आधी हो गई है. उसको पता नहीं कि वो ट्रेड करे तो कैसे करे. अभी इंडिया ने एक पेमेंट उसको दी थी जो वह रुक गई है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. इंडिया कहता है कि जी वी डोंट एक्सेप्ट द सैंक्शन, लेकिन पेमेंट वो करेगा कैसे जब वो बैंक सारे उन्होंने ब्लॉक किए हुए. इस इशू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है शेख फजल जलील साहब को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है काटी के, एक वेल नोन एस्टैब्लिश बिजनेसमैन जो आपने मेरे प्रोग्राम में भी और उनको और जगह भी बहुत बोल्डली, बहुत ही विदाउट एनी बायस बिजनेस और कॉम की जो नीड है उसको वो एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी फियर, एनी वो थोड़ा बहुत भी लचक नहीं दिखाते जो वो सही समझते बोलते. फजल साहब, आपको से मैंने पहले भी बहुत बात की है, खास तौर से सेफ्टा के बारे में, उस ज़माने में जबकि लोग आमतौर से बहुत ही ख़िलाफ़ थे. आपने बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया. आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, खुद कंपटीशन फेस करेंगे इंडिया से, उसके बावजूद आपने एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन की तरफ बात की. आपने कोई भी स्पेसिफिक अपने कारोबार और इसकी बात नहीं की या काटी की बात नहीं. अब मैं आपसे पहला जो हम इशू आज डिस्कस करना चाहते हैं कि US ट्रेड रिलेशनशिप, आप इसको कैसा देखते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ US फॉर आस? ये जो हम लोग बहुत बातें करते रहते हैं रैलीज में कि यूएस को ये कर दो, यूएस को वो कर दो, रियलिस्टिकली एज ए बिजनेसमैन, एज ए कंसर्न पाकिस्तानी, हाउ यू सी दिस रिलेशनशिप? थैंक यू सर. बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स को हम किसी सूरत भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया को कोई मुल्क भी इस पोजिशन में नहीं है कि यूएस को अंडरमाइन करे और वो ये सोचे कि वो बगैर यूएस के दुनिया में अकेला चल पाएगा. दिस इज रॉन्ग, इज अ रॉन्ग परसेप्शन. रहा पॉलिटिकल जो नारे लग रहे हैं वो ज़्यादातर जज्बाती हैं, और हमें ट्रेड को अगर अपने लेके आगे आना है, पाकिस्तान की माशी हालत को ऊपर लाना है, तो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल हैं. सूरत ये है कि लास्ट 3 इयर्स और टू एंड हाफ ईयर्स से हमारे कोई कॉन्टेक्ट एट अ वेरी हाई लेवल यूएस के साथ बिल्कुल जमूत का शिकार थे. प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्रेसिडेंट को 3 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी. उसके बाद ओबामा का एक विज़िट था, आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान का पोस्टपोन हो गया किसी वजह से, कोई वाक़ ऐसे बीच में आ गए, तो ये वाक़ात बीच में आते रहे. और दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि यूएस ने और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इस चीज़ का इजहार किया है कि हम अपने रिलेशंस को जो है वो फर्दर बढ़ाएंगे और टाइज को जो है वो जो अगर साहब एक जो बात कल हुई है वो ये है कि पहले ज़रा सा छुप छुप के और डर के बात होती थी, कल यूएस ने बिल्कुल अपना स्टैंड बहुत क्लियर कट सामने रख दिया है, ये हमारी नीड है, अगर आप इसको मीट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, फिर हम आपसे कन्फ्रंटेशन में चले जाएंगे, चॉइस इज़ योर, पार्लियामेंट को ले जाएँ, कहीं भी लेके जाएँ. बड़ी कैंडिड बात हुई है कह रहे हैं कल. जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये किया है. और ये इशू वो उठाते रहे जैसे उनकी यहाँ से सप्लाई बंद है. अगर हमें बेसिकली बंदी करनी थी, अगर हमारी पॉलिसी कोई ऐसी थी, तो हम 3 साल 4 4 5 6 10 साल से जो जारी है उसको रोक लेते.
अब अचानक रोक लेना, वैसे तो अमेरिका ने जो हमारी ट्रूप्स से सलाला पे अटैक किया था वो अफसोसनाक है, और हमारे ट्रूप्स उसमें गए और शहादत हुई उनकी, लेकिन हमें वहाँ एक पॉइंट पे बैठा रहना नहीं है, हमें आगे जाना है, हमने अपने रिलेशंस को बियॉन्ड दैट देखना है। अगर हम यूएस के साथ वही इशू लेके अगर बैठे रहे तो जज्बाती बातें तो कुछ और हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम पॉजिटिवली मूव करें। राइटली अमेरिकन, आप सही फरमा रहे हैं कि अमेरिकन ने बताया कि ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है सारी, इसमें हमने कुछ देना है, उन्होंने हमें कुछ देना है, उन्होंने उनको यहाँ से पैसे चाहिए, पाकिस्तान इज़ द ओनली रूट टू दी टू अफगानिस्तान। तो इसलिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट शुड टेक कंसिडर, पार्लियामेंट ने करना है तो पॉजिटिव वे में करे, जो पाकिस्तान के मफाद में जाता हो वो फैसला करें, ना कि जज्बाती हो। तो ये अगर देखें, यूएस हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यूएस के साथ हमारी जो ट्रेड है वन ऑफ द लार्जेस्ट है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। टेक्सटाइल हमारा एक बहुत बड़ा शोबा है जो यूएस हमारा उसमें बायर है, उसमें ठीक है हमारे कुछ प्रॉब्लम्स यूएस के साथ हैं, वो हाईलाइट किए गए हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ थे वो तो कुछ थोड़े रिजॉल्व लगे हैं, वहाँ हमारी एक्सपोर्ट को कुछ एक्सेस मिलती नज़र आ रही है। यूएस के साथ भी वी कैन हैव, अगर आपकी बातचीत ही बंद होगी तो फिर आप कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। उनको बताएं अगर वो कुछ आपसे लेना चाहते हैं तो उनको बताएं कि हमने आपसे क्या लेना है, हमारी ट्रेड को हेल्प करें, हम पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें हमारी मदद करें, और यकीनन तौर पर अगर गिव एंड टेक होगा तो पाकिस्तान बेनिफिशियल पोजीशन में होगा इस वक्त। आपने जो बात की कि उनके लिए ये सप्लाई रूट बहुत अहम है, वो दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं इस वक्त, एयर से सप्लाई कर रहे हैं, ताजिकिस्तान वगैरह से भी माल आ रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट कहते हैं 6-7% टाइम ज़्यादा हो जाती है। जाहिर है वहाँ पे उनका वाइटल इंटरेस्ट आ गया कि जी पाकिस्तान से खोला जाए। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर्स की आप इंटरेस्ट की बात कर लें मिसाल के तौर पे, तो ये जो मैंने अपने गेस्ट के जरिए सुना है इस फील्ड के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मेक समथिंग लाइक $5 बिलियन एवरी ईयर आउट ऑफ दिस नाटो सप्लाई ओनली, बाकी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो अपनी जगह पर। तो ये जो हज़ारों ट्रकों को जॉब मिल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, ये भी तो हमारा इंटरेस्ट है, इसको भी हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जी ये एक फैक्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़े इन्वॉल्वमेंट है, आपने जैसे फरमाया $5 बिलियन इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट। और ये जो बेचारे ड्राइवर्स, क्लीनर्स, होटल मैनेजर्स को जो इसके वजह से जॉब मिल रही है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जी बिल्कुल ये सही है, पाकिस्तान को अगर एक्सेस देना है और वो सोचता पाकिस्तान कैन टॉक टू देम कि हमारी जो वेयर एंड टेयर रोड्स के ऊपर हो रही है, जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, यकीनन पर प्राइवेट सेक्टर से बेनिफिट हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे काफ़ी हुई है, इन एन एवरेज पर डे कुछ 500 यूएस नेटो कंटेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान, 500 कंटेनर रोजाना पाकिस्तान से ट्रांजिट होते हैं अफगानिस्तान में नेटो को और अमेरिकन फोर्सेज को, आईएसएफ की फोर्सेस को। तो ये इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रांजिट अग्रीमेंट जो पाकिस्तान जैसे बेनिफिट तो हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, हमारी ट्रकिंग, हमारे एम्प्लॉज़ वो जॉब से लगे हुए हैं, देन इन द वे जो भी रास्ते में लोग रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दैट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स, ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अगर आप उसको 2-3 महीने रोकें, ये लोग अंडर अग्रीमेंट थे, इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई उसको देखते हुए, अब वो इसकी स्टैग्नेशन के बाद उनको लॉस हो रहा है। तो वी शुड लुक इनटू एस्पेक्ट, पार्लियामेंट शुड लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स को देखते हुए देखते हुए फिर कोई फैसला करे और जो पाकिस्तान की हक में जाता हो, उनकी उनके बेनिफिट में जाता हो, ना कि कुछ जज्बाती फैसला। हमारा कहना ये है। अच्छा, ये जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन नारे लगाते हैं, शायद उनको यह अंदाज़ा नहीं है कि अमरीका का इन्फ्लुएंस अरबों पर कितना, मिसाल के तौर पर चाइना पे कितना। लोग कहते हैं जी चाइना हमारी मदद करे, चाइना तो खुद डिपेंडेंट है अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पे, चाइना की पूरी प्रोस्पेरिटी डिपेंड करती है यूएस एक्सपोर्ट पे। आज अगर यूएस वहाँ से इंपोर्ट बंद कर दे तो चाइना खत्म हो जाएगा, जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहेगा, ना वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना वहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो कुछ भी। तो हाउ कैन चाइना कम इन कन्फ्रंटेशन विद यूएस फॉर अस, ये तो एक बड़ी अजीब अजीब सोच है लोगों की। इसी तरह अरब्स आर सो मच अंडर कंट्रोल और सो मच अंडर so much with US कि they will never come supporting us in confrontation with US। देखें आपने बजा फरमाया, चाइना की ज़रा मिसाल आपके सामने है, अमेरिका का ज़रा सा दबाव था तो एक चाइनीज़ बैंक ने विड्रॉ कर लिया, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को फंडिंग बंद कर दी,
देख लीजिए ये उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे और देयर इज नो रीजन फॉर दैट और वी आर इसमें हमें देखना चाहिए कि हर मुल्क के क्या इंटरेस्ट्स हैं अपने। चाइना यकीनन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिकन ट्रेड के ऊपर, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं। चाइना की बहुत बड़ी मार्केट यूएस मौजूद है, वो किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है उसको कुर्बान नहीं करेगा किसी भी नारे के तहत, ये नहीं कर रहा। हाँ, दे हैव टेकन अ स्टैंड ऑन ईरान जो किसी हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का जो आपने फरमाया कि उनकी करेंसी जो है हाफ हो गई है, बिल्कुल ट्रेडिंग वहाँ ब्लॉक होकर रह गई है। और अभी जो दो दिन पहले खबर आई कि एक पेमेंट जो इंडिया कर रहा था ईरान को वो रुक गई, हाउ डू यू ट्रांसफर दैट, क्या आप नोट बैंक में भर के ले जाएंगे, क्या करेंगे? जो ईरान का सारा बैंकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा यूरोप ने ब्लॉक कर दिया। हाँ। और वो मुल्क जो खामोश है उन्होंने भी खामोशी से कर दिया, जिसमें अरब कंट्रीज भी हैं और ममालिक भी, अरब से तो वैसे भी उनकी ईरानियों की कन्फेंट्रेशन है, इसके बावजूद भी। आप फिर ये देखें कि तमाम जो ऑयल रिसोर्सेज हैं इस वक्त दुनिया के, वो तमाम यूएस कंपनीज कंट्रोल करती हैं, मेड बी सऊदी अरेबिया, मेड बी इराक और कुवैत, बहरेन, ये तमाम की जगह, और कतर इवन, यहाँ पर तमाम यूएस कंपनीज जो मेजर ऑयल कंपनीज हैं उनका होल्ड है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब कोई मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है कि यूएस से कोई भी किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन मोल ले ले। तो मेरा ख्याल है अकल व फहम का तकाजा यही है कि वी शुड वर्क आउट अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूएस और हम अपने मफादात का तहफ्फुज़ करें ये देखते हुए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है, कोई जज्बाती फैसला ना करें। अच्छा फैसल साहब, ये जो ईरान गैस पाइपलाइन का मामला है इस पर यूएस हमें कह रहा है कि आप ना लें, तो आप लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं यूएस ऑफिशियल से एज ए पार्टी एज ए बिजनेसमैन, वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं क्यों हम ना लें? सो आई वुड रेफर के अभी मंडे को जो ये पिछला मंडे इस पर हमारी एक यूएस कौंसल जनरल हमारे इनवाइटेड थे कार्टी के अंदर, अनफॉर्चुनेटली प्रेस वाज नॉट अलाउड देयर टू कम, लेकिन उन्होंने जो वन टू वन हमारे से बात की है और हमारे बिजनेसमैन को उन्होंने एड्रेस करते हुए ये कहा कि एक तो ये कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। अच्छा। आपकी जो एक्सपोर्ट्स कहीं सफ़र कर रही हैं वो विल कंसिडर दैट। फार्मास्यूटिकल का एक मसला आया था कि भाई इंडिया जो है वो हम भी उसी पोजीशन में हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को दिया जा रहा है दवाइयों के मामले में, वो हमें भी दें। उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया उसका, उन्होंने कहा जी कि आप हमें अप्लाई करें, विल टॉक ऑन दैट, आपको भी वो स्टेटस देने को तैयार है। बातचीत हुई कि जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे पे ज़्यादा हैं टेक्सटाइल पे कंपेयर टू वियतनाम एंड साउथ कोरिया और बांग्लादेश, इसके मुकाबले में तो ऐसे मुल्कों में ये भी वी टुक अप, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज अबाउट ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। हमने उनसे कहा कि भाई ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन है, हमारे पास गैस शॉर्टेजेस हैं और आने वाले 10-20 वर्षों में हमारी तरक्की का इनसार गैस के ऊपर है, और अगर आप इसके ऊपर दबाव डालते हैं तो फिर हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे। उसके अल्टरनेट में उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि यूएस 300% लेस देन व्हाट ईरान हैड ऑफर्ड यू द प्राइसेस, उसमें हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करने को तैयार हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अब वो कौन से पॉइंट से देते हैं तो पाकिस्तान को, बट दे आर कमिटेड, दिस इज मेरा ख्याल आज शायद उनका ऑफिशियल बयान भी कहीं है अखबार में, कि वो जो पाकिस्तान को ईरान ने हमें ईरान ने ऑफर किया है उससे कोई 300% कम है उसकी प्राइस। तो हमें अपनी इकोनॉमिक्स को भी देखना होगा कि हमें कहां से सस्ता पड़ता है, ये तो एक कंसर्न। आर दे रेडी टू मेक ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद अस ऑन दिस, क्योंकि दैट इज दे बाद में ये मुकर जाए या चेंज कर ले तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आज पाकिस्तान यूएस हमें बेट के तौर पे शायद ये ऑफर कर रहा हो और कल उसकी प्राइसेस डबल ट्रिपल कर दे, ईरान से भी ज्यादा कर दे, बट एनी हाउ आई फील इट इन माई सेल्फ कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज वेरी वेरी वाइटल, हमारे लिए बहुत जरूरी है, लाइफ लाइन है हमारी इंडस्ट्री की और हमारी इकोनॉमिक्स की। अगर वो आती है तो हमारे लिए मुश्किलात कम हो जाती हैं, बेशक कॉस्ट ज्यादा होगी। हम ही उनसे ये कह सकते हैं कि ठीक है थोड़ा आप एलपी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी दे दें जो टर्मिनल के थ्रू आएगा, बाकी हम ईरान से भी लेते हैं। उसके लिए हमें इंतजाम करना, उनको ये बात बतानी चाहिए कि प्रैक्टिकली जो है ना ये ईरान पाकिस्तान ट्रेड को आप रोक ही नहीं सकते। आप चले जाए किसी ताफ्तान पे चले जाए या मंद पे चले जाए, आप देखेंगे कि विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस ट्रेडिंग चल रही है बेशक, और उसको कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, कुछ नहीं रोक सकता।
पूरा का पूरा तेल जो है इस वक्त बलूचिस्तान, विच इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान, इसे उन ओपन सीक्रेट के बलूचिस्तान में कोई पाकिस्तान का तेल, कराची का रिफाइनरी का तेल नहीं जाता, सारा का सारा तेल ईरानी इस्तेमाल होता है। मंडियाँ बनी हुई है पंजगूर में, तुरबत में, हर जगह जहाँ वो तेल आते हैं, सुबह सुबह उसकी नीलामी होती है। Everybody knows, if we can see it. जी ये तो nobody can stop this. No. वो informal road से आ जाते हैं ट्रकों पे भर भर के। Electricity जो इस्तेमाल हो रही है बलूचिस्तान में, खासतौर से ग्वादर पंजगूर वगैरह में, वो ईरान से आती है। तो हमारी तो इतनी ज्यादा रिलेशनशिप है, एक एक खाने पीने की चीज यहाँ से जाती है, मुर्गी हो, बकरा हो, गाय हो, हर चीज जा रहा होता है ताफ्तान से और इस इलाके से। हाउ कैन स्टॉप इट? हमारा नेचुरल पार्टनर है वहाँ पे, गैस अब अमेरिकन्स कह रहे हैं वो 300% कम, पता नहीं वो कहाँ से ला के देंगे इतना कम, क्योंकि ईरान से जो हमने एग्रीमेंट किया है वो तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए किया होगा ना। कोई आउट ऑफ द वे तो थोड़ी कोई रेट होता है, ईरान कोई ज़्यादा हमसे 300 गुना ज़्यादा कैसे मांग सकते हैं। हमने तो फ्यूचर भी देखा है ना जी, अगर इसमें अगर एट एनी स्टेज चाइना या इंडिया पार्टिसिपेट कर जाता है तो देन द प्राइस ऑफ द कॉस्ट cost of the gas would be lower for Pakistan. Ideally तो इंडिया जरूर जाना चाहिए, should be इंडिया पाकिस्तान, इंडिया तो प्रेशर है और इंडिया को उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर न्यूक्लियर एनर्जी में कर दिया, उनको सेल्फ सफिशिएंट करने की गारंटी की, हमें नहीं देते वो निकले, हम उनके सो कॉल्ड अलाई है फॉर सिंस इंडिपेंडेंस। हमारा परसेप्शन उनके नजदीक बड़ा खराब है कि जी हमने प्रोलिफरेशन की है, लेकिन वी कैन एट सम स्टेज, कल जो पॉजिटिव बात हुई उन्होंने ये हमसे कहा, उनके कौन जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सुलेट, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए न्यूक्लियर पावर। अच्छा, ये एक पहली दफा एक पॉजिटिव बात उनके, ये अगर रिकॉग्नाइज करें तो फिर ऑटोमेटिकली फॉलोज के वी कैन, हो सकता है दिस इज दे आर लुकिंग इनटू नेक्स्ट स्टेप मे बी वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी वो खोल दें। वी शुड कीप ऑन प्रेशर ऑन देम के वी आर योर पार्टनर्स, इफ यू आर एलाइज तो हमारे लिए तमाम हॉराइजंस आप खोल दें ताकि हम आपसे बेनिफिट करें, ना कि इंडिया के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, हमारे साथ कुछ और होता है। हम कहलाते हैं फ्रंटलाइन स्टेट, मरते हमारे ट्रूप्स हैं, शहीद हमारे लोग हो रहे हैं और आप प्रेफरेंस दे रहे हैं इंडिया को, तो दिस शुड स्टॉप। जब 1954 पे ने बम ब्लास्ट किया था अमेरिका ने, उसके बाद से जो 12 मुल्कों को उन्होंने सेलेक्ट किया था एज ए क्लोजेस्ट एलाई, इनको ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई, उसमें पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ये सब क्लोज एलाइज थे। अब हम इस पोजीशन पे आ गए कि इंडिया हैज़ बिकम मोर फेवर्ड ऑन दिस इशू देन अस। ठीक है, ये हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह वो अपनी जगह पे है, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किसी इंसान ने की हुई थी तो उसको हमने प्रॉपरली उसको चेक भी किया। फिर अब आते हैं इंडिया पे। जी, इंडिया पे जो मनमोहन सिंह साहब की जो आप तस्वीर आपके सामने है मुस्कुराती हुई, बहुत रेयर तस्वीर है ऐसी, वो आमतौर से मुस्कुराते नहीं इतनी आसानी से। तो yesterday he looked really pleased with Pakistan. जिलानी साहब तो जिलानी साहब को, गिलानी साहब को अपना पीर भी कहते हैं। अच्छा, चाहे वो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ओह कहते हैं जी आप पीर और मुर्शिद हैं मेरे भी। तो एक तो ये पॉजिटिव बात है, उनसे मिलते हैं वैसे वो मुस्कुराते हैं, नो डाउट। लेकिन ये बात अपनी है कि इंडिया पाकिस्तान को अपने रिलेशंस को, ट्रेड रिलेशंस को रिव्यू करना बहुत अहम हो गया इस दौर के अंदर। देखिए जी, हम हिंदुस्तान से अनऑफिशियल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली थ्रू थर्ड कंट्री, हमारे यहाँ सब कुछ आ रहा है इंडिया का। शेख साहब, यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं यूएस एंड इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप पे। फजल जलील साहब, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। फजल जलील साहब वो शख्सियत हैं जो आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही क्लियर कट बात कहते हुए सुना होगा। वो अपनी ज़ाती बात नहीं करते, वो कौम के इंटरेस्ट में बोल जाते हैं जो कुछ उनके समझ में आता है। अभी उन्होंने बहुत क्लियरली एक बात हमें समझाई है कि कोई कंसीडरेशन ही नहीं देनी चाहिए इस बात पे, इस जज्बाती बात पे कि अमेरिका से हम कन्फ्रंटेशन ले लें और अमेरिका से हम रिलेशनशिप तोड़ दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका के साथ और बल्कि तमाम मुल्कों का है ऐसा कि हम अमेरिका से लड़ के ज़िंदा नहीं रह सकते इस आज के दौर में। ईरान की मिसाल दी गई कि ईरान ने कन्फ्रंटेशन ली है
उसकी करेंसी वन आधी गिर गई है और वो बिल्कुल अब मफलूज होकर रह गया, ट्रेड नहीं कर पा रहा, हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक रिसेंट मीटिंग हुई है यूएस ऑफिशियल से काठी में ही, जिसमें उन्होंने जब ये बात उठाई गई ईरान गैस पाइपलाइन की, तो उन्होंने यूएस ने 300% कम पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑफर किया है। उस पर क्या डिटेल्स होती हैं उस पर आएंगी। अब जैसे हम अब चलते हैं इंडिया के तरफ डिटेल में, जैसे आपने शुरू किया था कि जिलानी साहब को तो सिंह साहब पीर मानते हैं, और जो मैंने पढ़ा और जो देखा टीवी वगैरह पे, तो मुझे लगा कि बड़े पॉजिटिव वाइब्स थे और पहली दफ़ा इंडिया ने खुल के पाकिस्तान को थैंक किया फॉर द मूवमेंट वी हैव मेड टूवर्ड्स नेगेटिव लिस्ट फ्रॉम द पॉजिटिव लिस्ट, और वो और उस पर वो कह रहे हैं कि अब मैं पाकिस्तान आऊँगा टू मेक सम कंक्रीट एग्रीमेंट्स थिंग लाइक दैट। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये बात सही, देखें हिंदुस्तान ने हमको पहले ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस एट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ इससे मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान बहुत सारा ट्रेड हमारा जो है उसको इम्पीड करता है, इंडियन ऑफिशल्स के पाकिस्तान से ट्रेड ना हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो रेस किया गया है मनमोहन सिंह के सामने भी, और जितने भी इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन टॉक्स हुई हैं कि आपने स्टेटस तो हमको दिया हुआ है लेकिन आप बहुत सारी इस तरह की इम्पेडिमेंट्स बीच में डाल देते हैं कि वो ट्रेड पॉजिटिव रहता ही नहीं, वो हो नहीं रहा। नॉन जिसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर। आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कराची में भी तो हुई थी ना, इनके सेक्रेटरी वगैरह जब आए थे। जी वहाँ एक सेमिनार भी हुआ था अंडर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसे मुनीर इज द चेयरमैन ऑफ दैट, प्रेजिडेंट है उसके, और अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया है और बड़ी पॉजिटिव बातें होंगी। बल्कि इंडिया ने तो यहाँ तक हमें अब तक ऑफर किया है कि जी आपको आपके बिजनेसमैन को हम 10 सिटीज का वीजा देंगे विदाउट पुलिस रिपोर्टिंग इवन, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अगर कब होगा ये बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं। हाँ लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली देखें, अगर ये मैच्योर हो जाती हैं टॉक्स और वाकईतन ये ट्रांसलेट हो जाती हैं इनटू रियलिटी, तो फिर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे। जो आपकी मीटिंग कराची में हुई जो अंडर दिस मुनीर साहब के ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ तो आप बता रहे हैं कि सेक्रेटरी बैठा हुआ था, सेक्रेटरी कॉमर्स बैठे हुए थे, तो वही तो रेलेवेंट आदमी है। तो उन्होंने क्या आपकी जो नीटी ग्रीटी की जो नॉन ट्रेड बैरियर्स की जो बात कर रहे हैं, तो वन बाई वन आपने इशू उठाया होगा कि सीमेंट भेजा तो ये सर्टिफिकेशन मांग दिया और वो कलकत्ता भेज दिया और कहाँ भेज दिया और इतने डिले। किसी साहब ने मिसाल दी थी कि जी किसी ने बकरे मंगाए अच्छा ट्रेड रूट से, तो इंडिया ने कभी इनके ऊपर जब वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे आए तो उन्होंने चेक कर लिया, रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं जी इनके ऊपर तो इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी और इनको क्वारंटीन में रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया, देन दे वर शिफ्टेड अगेन बैक टू समवेयर इन पंजाब, फिर वहाँ से आए, टोक अबाउट 8 or 15 days। इस तरह की जो इम्पेडिमेंट्स हैं ट्रेड में नखरे डालने के लिए, ये इसको ख़त्म रिमूव करना चाहिए। दिस मैटर वॉज टेकन अप बाई द इंडियन ऑफिशल्स कि आपने हमें स्टेटस तो कन्फर्म किया हुआ है लेकिन आप जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं हिडन है जो इम्पीड कर रहे हैं हमारा ट्रेड, वो मौजूद हैं अपनी जगह उसी तरह। तो इस पर बातचीत पॉजिटिवली तभी होगी कि बातचीत आगे चले, मोहन प्राइम मिनिस्टर आए मोहन सिंह यहाँ पर और ये बात आगे चले, तो इंशाल्लाह ये बैरियर्स पाकिस्तान देखें जी अब वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई कि हमारी इंडस्ट्री को इंडिया खा जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। नो सर, भी जहाँ हम खड़े हैं जो हमारी ट्रेड इंडस्ट्री जो है हमारी, वो इंडिया उसको कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करते हैं। देखिए जी वो जज्बाती, मैं जज्बाती बात कोई भी नहीं करूंगा। हाँ जहाँ पर आपसे मैंने 1.5 साल पहले भी ये बात पूछी है तो आपने यही जवाब, नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट मौजूद है हमारे दरमियान, हम वी शुड गो बाय दैट, हमने उसको डिटर्मिन कर लिया है। फार्मास्यूटिकल है, फिर हमारी ऑटो इंजीनियरिंग है, ये बहुत बड़े वाइटल के हमारे ग्रो नहीं करेगी, हिंदुस्तान सस्ता है, हिंदुस्तान में इनपुट 1200 आइटम अभी आपने रखे हैं, 1200 आइटम बिल्कुल, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी है कि ये आइटम जीरो हो जाएगा 2012 के एंड में। जी हाँ, तो ये क्या इस दौरान ये जो फार्मास्यूटिकल या जो आप बता रहे हैं कि ऑटो वालों की जो रिजर्वेशन थी, क्या वो इस दौरान वो अपने आप को तैयार कर लेंगे कम्पटिशन के लिए? देखिए बात यह है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इंडिया कोई चीज़ हमारे इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए डंपिंग ना करें यहाँ पर। अच्छा, वी कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है इसीलिए कि इंडिया अनहेल्दी कंपटीशन तो नहीं दे रहा, फिर तो कोई भी मुल्क हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर सकता। आज ये ना अगर टोयोटा कार्स जापान आदि कीमतों पर फेंकना शुरू कर दे
तो हम कहाँ खड़े हाँ खत्म हो जाएंगे जाएंगे, हमारी लोकल इंडस्ट्री कहाँ है। बात यह है कि वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बाकी जो ट्रेड जो है इसके बैरियर्स को हटाना होगा। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आप ये कहें कि जी दुनिया में एक आइटम इस कॉस्ट पे मिल रही है, कोई $200 पे मिल रही है, तो और इंडिया हमको उसको सस्ता दे रहा है, हमारी ट्रांजिट बचती है, ट्रांसपोर्ट बचती है, और हमें वो 150 पे कॉस्ट करती है, वी शुड गो फॉर दैट। पाकिस्तान इज गेनिंग इन अ सेंस, योर कंज्यूमर विल गेन, क्यों, ड्यूटी तो हमें उतनी मिल रही है, फिर हमारा ज़ेर मुबादला कम खर्च हो रहा है। तो अगर हम ये उसको उसको ब्लॉक कर देते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन, बहुत सारे केमिकल्स हैं वो वाया मीडिया थ्रू अदर कंट्रीज थर्ड कंट्री हमको शिप हो रहे हैं आजकल। अनऑफिशियल ट्रेड पाकिस्तान की और इंडिया की आपको जैसे मालूम है वो को डबल ट्रिपल है जो ऑफिशियली है, वो किसी और मुल्क से रीपैक हो गया जाता हो रहा है आपको ज़्यादा जी, वो पाकिस्तान को लॉस होता है उसमें, और एक तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जैसे कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि मुत्तफ़िका तौर पे कई बड़ी बड़ी इदारों ने मिल के लिखा है, जिसमें एक जो कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है सोशल इश्यूज़ पे लिखता है, स्ट्रेटजिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो भी शामिल था, उन्होंने स्टडी की है कि अगर ये लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया हो तो पाकिस्तान पूरे रीजन को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, सार की टोटल बात कर रहे हैं वो, और उसमें कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ द लीस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, सिर्फ 10% उसको फ़ायदा होगा, दूसरे मुल्कों को बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये 10% वो बता रहे हैं कि वी ट्रांसलेट इन टू 69% रिडक्शन इन द इम्पोर्ट बिल। वो कह रहे हैं कि जो अभी हम दुनिया भर से, जैसे आप अब बता रहे हैं कि इंडिया की चीज़ घूम घूम के आ रही है, तो दुनिया भर से हम चीज़ें खरीद रहे हैं, वही चीज़ें अगर सार कंट्रीज से आने लगेंगी तो इट विल इम्पैक्ट अवर इम्पोर्ट बिल बाई 69%। मुझे तो अब उस डिटेल्स उसके नहीं पता, वो आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत लोगों को फॉरवर्ड भी किया, तो ये तो बड़ा सब्सटेंशियल चेंज ला सकता है पूरे रीजन में। इट्स अ ब्रेक थ्रू, इट्स गोइंग अ मेजर ब्रेक थ्रू। वो कह रहे हैं कि जो जो इतना बड़ा पॉवर्टी का ये पॉट यहाँ पे इस इलाके में जमा है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इसी इलाके में, और उसको ब्रेक करने के लिए दिस इज दी मेजर विच विल रियली इम्पैक्ट। देखिए जी, मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश आप भी गए होंगे, मैं भी जाता रहता हूँ, देखा है। देखिए वहाँ कौन सी इंडस्ट्री उनकी तबाह हो गई, क्या खत्म हो गया उनका। इंडिया पूरी तरह इंडिया के गुड्स वहाँ से, इंडिया बांग्लादेश में उससे 5% का इंडिया का, आप ये देखें बांग्लादेश का GDP आपसे ज्यादा अच्छा है, हम 2.5% पे खड़े हैं, वो 5-6% पे खड़े हैं। आप तो क्या हुआ, हमने कौन सा बेनिफिट हिंदुस्तान के साथ बैरियर्स लगा के टोटल। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि हिंदुस्तान को मादर पिदर आज़ाद खोल दिया जाए, सामान्य वी शुड लुक इन टू दैट कि इंडिया से हमारे यहाँ कोई डंपिंग ना हो इस तरफ, और अनएथिकल ट्रेड ना हो, हमारे एक्सपोर्ट को रोका ना जाए जैसा कि आपने बड़ी तफसील से बताया। और देखे एग्रीकल्चर, लोगों का परसेप्शन ये है कि जी जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान हमारे यहाँ सस्ती डंप करेगा। आज भी बहुत सारी चीज़ की शॉर्टेजेस होती है और इंडिया से आपके यहाँ आ रही हैं। इसी तरह इंडिया को अगर कोई प्याज, आपको याद हो कि 4-6 साल पहले बहुत बड़ी शॉर्टेज आई थी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान से सारी प्याज इंडिया चली गई थी, कुछ तो ऑफिशियली गई और कुछ अनऑफिशियल ट्रक्स चले गए। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अगर ये रेगुलेटेड ट्रेड हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द पीपल ऑफ बोथ द एंटायर रीजन। यू आर वेरी राइट, इंडिया को भी करेगी और हमें भी करेगी। बहुत सारी ऐसी सरप्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, मेड बी एग्री, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ इंडिया मार्केट मौजूद है हमारे पास। और अगर हिंदुस्तान ऐसे ही तोहफातन भी हमसे खरीद लें कुछ ऐसे आइटम्स, तो इंडिया इतना बड़ा सर्किट है, इतना बड़ा मुल्क है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही खप जाए। एक मंडी वाला साहब है सिनेमा हॉल वगैरह के मालिक, उनसे हमारी मीटिंग डिस्कशन हो रही थी, उसमें वो उन्होंने बड़े मज़े की बात बताई, कहने लगे साहब जब से इंडियन फिल्में आना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में तो उनके सिनेमा हॉल वगैरह फिर से चल पड़े, आबाद हो गए, पहले तो खाली हो गए थे, तो उससे वो बड़े खुश हैं। कहने लगे कि अब तक जो है, ये पिछले 4-5 महीने पहले की बात है, कह रहे थे कि अब तक 36 फिल्में इंडिया से आई हैं, जो कि बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स भी हैं, तो उन 36 फिल्मों ने जितना टोटल रेवेन्यू कमाया डॉलर टर्म में, हमारी एक फिल्म यहाँ से गई खुदा के लिए, क्या नाम था, उसने उससे 5 गुना कमा लिया। फिर कहने के अभी जो नई फिल्म हमारी एक बनी है, शायद 5-6 करोड़ रुपये में बनी है बोल, वो 100 सिनेमा हॉल में एक साथ रिलीज़ हुई है, उसके लिए कॉपीज़ बनानी पड़ी, यहाँ के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बड़ा मसला हो गया इतनी कॉपीज़ जनरेट करना। इंडियंस ने कहा कि एक साथ 100 फिल्म सिनेमा हॉल में लगी, और जो लग गई हैं तो लग गई हैं, उतर नहीं रही वहाँ से।
جی ہمارے میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہمارا ایک سنگل آتی مثلا بچہ جاتا ہے اور جا کے چھا جاتا ہے, ہاتھ فتح نہیں جاتا ہے چھا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر اور خوف. راحت علی نے جتنا پیسہ یا جتنا پیسہ کما لیا انڈیا میں, کسی انڈین سنگر نے تو آگے نہیں کمایا. بالکل, آپ کے سارے اٹھ کے آ جائے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی کی وہ ٹون ہی نہیں ہے, کسی کے پاس وہ آواز ہی نہیں ہے جو ان بچوں کے پاس ہو. بالکل, دیکھیں نا کلچرل ایکسچینجز جو ہیں یہ ایک دن بریک تھرو کریں گے. اور میرا خیال ہے اور لوگوں کا بھی کہ بھائی پولیٹیکل سائڈ پہ ہمارا کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا اور ہم بڑے جذباتی ہیں, ادھر بھی لوگ اور ادھر بھی ہے. کشمیر اینڈ واٹر از اے مین ایشو, بے شک پانی پہ ہم کو بڑے اسٹرانگلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے بائی لیٹرل ٹاکس وہاں جاری ہوں, ہمارے یہاں آنا جانا ہو. اگر ہم پرائم منسٹر کی میٹنگ اگر دو سال کے بعد منموہن سنگھ سے ہو تو پھر یہ کوئی ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. دس از اے شیم. اسی پہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ جو ابھی یادو صاحب, یہ کیا شرما صاحب آئے تھے نا, جی شرما پورا نام دنیا, وہ جو فہیم صاحب گئے ان کے یہاں پاس پچھلے سال, ہنا ربانی بھی ساتھ تھی, تو پتہ چلا کہ 35 سال کے بعد ایک ٹریڈ منسٹر آف پاکستان انڈیا گیا. یہ کوئی سوچنے کی بات ہے, کیسی بات ہے کہ ایک پڑوسی 35 سال کے بعد مل رہا ہے ٹریڈ منسٹر. اور اس کا دیکھیے اتنا پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ انہوں نے کشمیر سے بھی بارڈر مزید کھول دیے, 2 سے 4 دن ٹریڈ کر دیا, بہت ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس آئیں. اور وہ بیچارے خود بھی یہاں آئے, آپ لوگوں سے ملے, سیکرٹری ان کا آیا, آپ کی تفصیلاً بات ہوئی, آپ لوگ وی ور ایبل ٹو ریز ایشوز آف نان ٹیرف بیریئرز. تو یہ ہے کہ باتیں ہونی چاہیے, ملنا چاہیے. بے شک, دس از دا اونلی وے آؤٹ. اگر آپ اسٹیگنیشن اس میں لے آئیں گے رکاوٹ, اور اس کو وہیں کھڑا کر دیں گے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی, اور یہ سوچ کے کہ بھائی انڈیا تو بھائی ساری زندگی سے ہم پیدائشی طور پہ ہمارا دشمن ہے اور رہے گا, بھی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوستی. اب یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل دے آر ویری فرینڈلی, کوئی بھی کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہیں وہ آپس میں دشمن ہیں اور لوگ جو ہیں پیپل ٹو پیپل آر ویری فرینڈلی. میں 25 سال باہر رہا ہوں فضل صاحب, مجھے تو سب قوموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور ان میں جو قریب ترین لگتے تھے وہ اپنے انڈیا نہیں لگتے تھے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. کلچر ہمارا کھانا ایک, ہمارے گانے ہم ایک ہی گانا سنتے ہیں, ایک ہی فلم دیکھتے ہیں. تو جہاں پہ بات ہوتی تھی کہ ایک طرف یورپین ہے, ایک طرف امریکن ہے, ایک طرف رشین ہے, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جدھر انڈین کھڑا ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. نیچرل بات ہے, بالکل ہے, یہی بات ہے. کیونکہ دیکھو آپ دیکھیں نا, آپ کی ہسٹری ہزاروں سال سے ایک سبری, یہ ڈویژن تو ہماری 70 سال سے ہوئی, 65 سال سے, 64 سال سے انجینئر کی گئی. مغل دور میں کیوں نہیں سپریشن تھا, ہندو مسلمان ساتھ رہتے تھے. یا انگریز آئے, ان کو اتنا خوف ہوا کہ اتنی بڑی آبادی اگر ان کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ, ہم لوگ اگر ایک ایک آدمی ایک ایک کنکر بھی مارتا تو انگریز مر جاتا, کیونکہ اتنی تھوڑی سی ان کی تعداد تھی. اس لیے انہوں نے ڈویژنز کریٹ کیے, میکسیمم ڈویژنز انڈیا. یہ تو انگریز کی سازش تو تھی جی, اور ادروائز تو وہ رہ نہیں سکتے تھے. انہوں نے لڑاؤ کی بھی پالیسی, لڑایا, ڈیوائڈ کیا, ڈیوائڈ کیا. ٹائم ختم ہو گیا, اب سے بات تو بہت رہ گئی. ناظرین, یو ایس اینڈ انڈیا سے ٹریڈ ریلیشن شپ پہ ہم نے بات کی آج. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگا, اس پہ آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کے بیسس پہ ہم پروگرام کو بہتر کر سکتے ہیں. آج کی ڈسکشن میں سیکنڈ پارٹ میں فضل جلیل صاحب نے بہت کیٹیگریکلی, بالکل کلیئر کٹ, خود بزنس مین ہوتے ہوئے کہا کہ انڈیا سے ریلیشن شپ, جیسے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ان کو آپ کئی سال سے بات سن رہے ہیں, یہ نہیں کہ آج ہوا بدلی ہے تو وہ بدل گئے, نہیں. ایک کنسسٹنٹ بات یہ کہتے ہیں کہ جی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف دس ریجن, جہاں سب سے زیادہ دنیا کی غربت ہے, پاکستان میں 4-5 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, انڈیا میں 50 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اس غربت کو دور کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ٹریڈ جو ہے سار کنٹریز کے درمیان کھلے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں انڈیا سے, ہم 2-4 چیزوں میں بھی اگر ان پہ ایڈوانٹیج لے جائیں گے تو ہمیں اتنی بڑی مارکیٹ ملے گی کہ وہ ساری جو تھوڑا بہت اگر ہمیں کسی اور سیکٹر میں لاس بھی ہوگا وہ کور کر جائے گا. ایک پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی, بنگلہ دیش نے تو کھولا ہوا ہے انڈیا سے سارا بارڈر, تو کون سا اس کو نقصان ہو گیا, اس کی جی ڈی پی گروتھ بھی زیادہ ہے, اس کی ہر چیز ہم سے بہتر ہو گئی ہے. ہم اس کو دھتکارتے تھے جب ہمارے ساتھ ہوتا تھا, اور آج دیکھیے کہ وہ ہم سے ہر چیز پہ کمپیٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. آج مجھے بڑا اچھا لگا فضل صاحب کی بات سن کے. چاہیے حکومت کو کہ ان کی باتوں پہ غور کرے, قوم بھی اس پہ سوچے کہ یہ جو کنفرنٹریشن کی جو ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, یقین مانیے وہ بالکل صحیح نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ سے دشمنی کی بات ہو چاہے انڈیا سے.
ये नहीं होनी चाहिए। दुनिया इंटर डिपेंडेंट है, सबके साथ मिलकर हमें चलना है, तभी हमारी तरक्की होगी। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।